उदयपुर में आज आईजी से मिलने पहुंची मुस्लिम समाज की महिलाएं, कहा राजसमंद पुलिस द्वारा उन्हें जबरन किया जा रहा परेशान। जी हां, आपको बता दें उदयपुर में आज मुस्लिम महिलाएं जिला कलेक्टर के बाहर पहुंची हैं और उन्होंने आईजी महोदय को एक ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं ने बताया है कि वह राजसमंद के रहने वाली है और आईजी साहब से मिलने आई है। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते उनका जीना दुबर हो गया है। इन सभी बातों को लेकर के आज वे आईजी साहब के पास पहुंची और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैंने कहा मेरे बच्चे नहीं अच्छी, आप इतनी बुरी बुरी मेरे को बदतमीजी से गाली दी उन्होंने, और उन्होंने कहा एक बार तो इसको नीचे ले लो। नीचे ले गए, डिप्री साहब ने कहा इसको एक बार थाने में लो। थाने में लेते ही और मेरे को कुर्सी पे बैठाते ही और मेरी बहू को और मेरे दोनों के साथ में सटासट हमारे मारपीट चालू कर दी। उसके बाद में इनको कहा नहीं, ये ऐसे नहीं उबलेगी इसके बेटे के लिए, इसको सुलाओ एक बार। मुझे डिप्टी साहब ने इतनी बुरी मारी और मेरे पूरा मतलब यहाँ पेट के अंदर देने लगे। मैंने कहा सर मेरे देव मत, मेरे तो बच्चेदानी का ऑपरेशन करा हुआ है। उसके बाद में उन्होंने कहा ना ये ऐसे नहीं मानेगी, ये उगलेगी। नगी इतनी नगी नगी मेरे को गालियाँ दी इतनी कि मतलब मैं किस आपको भी नहीं कह सकती हूँ। सर लोग मेरे साथ में इस लड़की को तो नचा नचा के मारो, नगी करके और कपड़े उतार के मारो इसको। किसने कहा ये? डिप्टी साहब ने, विवेक सिंह डिप्टी ने। साहब को मैंने बोला मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, साहब ने कहा मैं आपकी कार्रवाई करूंगी। ठीक, कुछ नहीं थी, उनको रातों रात उठाया गया और पूरा एक दिन और पूरी रात वहाँ पर रखा गया। उसके बाद में भी जैसे एक पक्षी कार्रवाई वहाँ पर की गई, वहाँ पर क्या किया गया कि जैसे इन लोगों ने पहले रिपोर्ट दी थी उस पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की थी। अब इनका क्या हुआ कि धीरे धीरे इतना फैल गया कि हर जगह से हर मुसलमान को परेशान करने लग गए। मतलब जो भी घर के बाहर भी आके खड़ा हुआ है ना तो उनको भी उठा उठा कर लेकर चले गए। तो और मतलब जो भी आपको असलियत जाननी है ना तो ये खुद यहाँ पे प्रार्थी मौजूद है जिनके साथ बीता है, जो अपने पैरों पे अभी खड़े नहीं हो पा रहे, जो यहाँ की लेडीज है। हम इस मांग को लेके आए हैं कि जिन प्रशासन अधिकारियों ने इनके साथ में गलत किया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको निलंबित किया जाए। जी आश्वासन दिया है कि वो अच्छी एक मतलब जांच कमेटी बिठाएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे पूरी तरीके से। उसके बाद में जो भी निष्पक्ष फैसला होगा वो करेंगे हमारे हक में, और हमें सुरक्षा पूरी तरीके से प्रदान की जाएगी। और आगे से कोई ये भेदभाव की नीति जो चलाई जा रही है, जो समुदाय विशेष जो असामाजिक तत्व हैं इनको जड़ से खत्म किया जाए, ये हमें आश्वासन यहाँ से दिया गया है। और हम इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमारे राजसमंद के प्रशासन से हम नाउम्मीद हो चुके हैं। सबसे मेन मुद्दा यही है कि हमारे साथ वहाँ पर पक्षपात किया गया है। इस पक्षपात से हम बहुत ही ज्यादा आहत होकर हम यहाँ आए हैं। हमारी जो वर्षों पुरानी मामू माणिक बादशाह की दरगाह जिस जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, वहाँ के बोर्ड को जहाँ पर हमारे वली अल्लाह के नाम लिखे हुए थे उनको बुलडोजर के द्वारा हटाया गया, गिराया गया। हमारी मांग है कि उस बोर्ड को वापस लगाया जाए। क्योंकि एक बात बताइए आप सभी लोग, हम सभी समाज में एक साथ लेते हैं। संविधान में क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, यही लिखा हुआ है ना? ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये मुसलमान ये हिंदू ये हम भारत के लोग हैं? आपके सभी समाज के लगे हुए हैं, हमें कभी नहीं आपत्ति हुई ना होगी, लेकिन हमारे समाज के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों, हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? आखिर हमारी गलती क्या है? क्या गलती है हम लोगों की? हम लोग आवाज नहीं उठा रहे इसलिए। तो आज बस हमारी यही अपील है कि हमारे को सुरक्षा दी जाए, इसके साथ साथ हमारे साथ की भेदभाव की नीति को खत्म किया जाए। वो कहते हैं ना कि कोरोना वायरस तो क्या चीज थी, वायरस तो ये फैल रहा है जातिवाद का, समझ रहे हैं आप, ये जातिवाद का। और जरूरी नहीं है जातिवाद मुसलमानों के साथ भी है, एससी एसटी ओबीसी वालों के हाल देखिए आप, कुर्सी पर बैठे हैं तो उनको नंगा कर करके मारा जा रहा है उच्च वर्ग के धर्म के लोगों द्वारा। तो ये इस नीति को खत्म किया जाए बस। और ये जो कुछ बात ही है इनसे जरा